आप सही कह रही थी। आप वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी मुश्किलात कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जाएंगी। मेरा दिल चाहे जितना मर्जी रो ले, चीखे मार ले, एहतजाज कर ले, हंसती मुस्कुराती गीती चाहे मेरे ख्यालों से दूर चली जाए, मुझे अपने हालात के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मैं दूसरे निकाह के लिए मजबूरन हामी भर रहा हूं। आप उन खातून से बात कर सकती हैं। बानो से मैं पहले ही बात कर चुकी हूं, वो दिलो जान से राजी है। मेरे कहने का मतलब यह कि वो बहुत अरसे से किसी अच्छे रिश्ते की मुंतजिर थी। हाँ तो फिर मिला दें आप। हाँ साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोगों के देखे भाले लोग हैं और आप लोगों की फहमो फराज पे मुझे पूरा यकीन। इस्माइल मियां, मगर जिंदगी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अपनी जजमेंट में करने होते हैं। मैं कल ही बात कर लेती हूँ। पापा, वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। कहिए। जब तक कानूनी मामला तय नहीं हो जाते और ये खातून मेरे घर के मामलात को समझ नहीं जाती, क्या तब तक मैं मोहिनी को चंद दिनों के लिए ही आपके घर छोड़ सकता हूँ? कर दी ना आपने गैरों वाली बात। इस्माइल मियां, ये बच्चे तो मेरे अपने ही हैं, रोज आते हैं। मोहिनी भी आ जाएगी तो और रौनक हो जाएगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू। आप दोनों ने तो अपनों से बढ़कर मेरा साथ दिया। इस्माइल मियां, हम आपके अपने ही हैं।